तो जय हिंद दोस्तों, आज जो है दोस्तों आज बोर्ड बनाएंगे दोस्तों। इसमें करना क्या है दोस्तों, देखो 5 पिन सॉकेट जो है 1, 2, 3 5 पिन सॉकेट लगेगा और 3 स्विच लगेगा, 1 इंडिकेटर 1 फ्यूज लगेगा, ठीक है। इसका लगा के उसके बाद कनेक्शन करना है। तो चलिए दोस्तों हम सबसे पहले इसको फिट करते हैं जल्दी, उसके बाद आपको वायरिंग के सहित आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि हाँ कैसे वायरिंग हुआ, कैसे क्या करना है, ठीक है। तो चलिए हम सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, ये जो जितना भी है दोस्तों, ये देखो एंकर का स्विच है, जितना भी है दोस्तों आईब्रो कलर है, एंकर का स्विच है, सारों को हम पहले फिट कर देते हैं। तो देखो दोस्तों ये जो है सारा जो है हम फिट कर चुके हैं, नट वगैरह जो भी था दोस्तों सबको टाइट कर चुके हैं, है ना। तो बस दोस्तों अब क्या है कनेक्शन करना है। देखो दोस्तों थोड़ा सा ये जो है छेद छेद दिख रहा है, तो इसको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा सही से। तो देखो दोस्तों ये तो हो गया है, अब देखो कनेक्शन कैसे करना है वो जान लो आप, ठीक है। तो दोस्तों इसका जो भी कनेक्शन है दोस्तों, देखो इसका 2 कनेक्शन आएगा, 1 फेज 1 न्यूट्रल आएगा, है ना। तो चलिए एक पहले न्यूट्रल का हम कनेक्शन कर लेते हैं। तो दोस्तों देखो दोस्तों ये दो, इसके लिए 2 तार यूज़ करते हैं। तो चलिए 2 तार के लिए दोस्तों स्विचिंग कर देते हैं। देखो कनेक्शन क्या हुआ दोस्तों, इसका स्विच इसको ऑन करेंगे तो इसमें लाइन आएगा, इसको ऑन करेंगे तो इसमें लाइन आएगा, इसको ऑन करेंगे तो इसमें लाइन आएगा, ठीक है। इसमें फ्यूज़ भी दे दिए हैं दोस्तों और इंडिकेटर भी दे दिए हैं कि लाइन आएगा तो कम इंडिकेट करेगा कि हाँ लाइन इसमें है, अब फ्यूज है दोस्तों, तो लाइन अगर फ्यूज को निकाल देंगे तो इसका कनेक्शन कट जाएगा, है ना। इस तरह का कनेक्शन करना है हमें। तो देखो करना क्या क्या है ये देखो आप। तो सबसे पहले दोस्तों इसका कनेक्शन करना है स्विचिंग का। तो स्विचिंग का कनेक्शन के लिए दोस्तों हम तार को जो है बराबर बराबर मात्रा में काट लेते हैं। देखो दोस्तों ये जो है बराबर बराबर मात्रा में तार काट लिए हैं, अब इसको थोड़ा छील देते हैं। देखो दोस्तों ये तार को छील चुके हैं, इसको थोड़ा सा जो दोस्तों ये बेंड कर देते हैं। बेंड करने के बाद क्या होता है दोस्तों कि तार जो है मजबूती इसका बढ़ जाता है, तार निकलता भी नहीं है दोस्तों, है ना, स्पार्क वगैरह भी नहीं मारेगा और इसका लाइफ जो दोस्तों ये बढ़ जाता है। तो अब जो है क्या करना है इसका स्विचिंग करना है। तो क्या करना है दोस्तों, देखो सबका कनेक्शन जो है दोस्तों ये बिल्कुल ढीला कर देना है, तो दोस्तों सबका नट जो है हम जो है लूज कर चुके हैं। आप जो इसका स्विचिंग का कनेक्शन सबका कर देते हैं। ये जो है तीनों का स्विचिंग का कनेक्शन कर दिए हैं। देखो दोस्तों ये हो गया कनेक्शन डाल दिए हैं और यहाँ से जो है अब यहाँ पे थोड़ा छीलना पड़ेगा दोस्तों, ये देखो। चलिए ये हो गया दोस्तों, अब यहाँ से सेम वैसे ही करना है। देखो जो है इसका सारा कनेक्शन हो गया है, अब क्या करना है ये जान लो आप। देखो दोस्तों अब यहाँ क्या क्या करना है, एलईडी में डालना है, ठीक है। ये देखो इसका कनेक्शन कर दिए हैं दोस्तों, ठीक है। अब देखो इसका तो एक कनेक्शन जो है इसको फेज मानो या न्यूट्रल मानो, एक का कनेक्शन हो गया है, ठीक। अब देखो अब दूसरा कनेक्शन करना है, तो कैसे करेंगे वो देख लो आप। तो देखो दोस्तों यहाँ से जो है सबका पहले जो है यहाँ से कनेक्शन इसका करना है, ठीक है। तो
देखो दोस्तों ये हो गया है ना। अब क्या करना है दोस्तों, ये देखो आप, तो देखो ये कनेक्शन ये ऐसे हो गया दोस्तों। अब क्या करना है, फ्यूज में भी देना है कनेक्शन, ठीक है। जो है सारा कनेक्शन हो गया है और आई थिंक आपको कनेक्शन जो समझ में आ गया होगा, है ना। इस तरह से किए हैं, अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो, ठीक है, या पाउज करके भी आप वीडियो देख के जो कनेक्शन कर सकते हो। तो दोस्तों ये हो गया है, अब क्या करना है दोस्तों, अब इसको सेट करना है, ठीक है। इसको जो है हम बेंड कर देते हैं दोस्तों, ताकि जो है दिक्कत ना हो। ये देखो दोस्तों ये हो गया है, अब इसमें क्या है दोस्तों, ये फिट करना है ना। तो फिट करना दोस्तों, ये जो ये देखो दोस्तों, ये छेद देके जो है हम इसको निकाल देते हैं बाहर। और ये देखो दोस्तों ये जो है, अब इसका क्या करना है, नट सारा का नट कस देना है। तो ये देखो दोस्तों ये बोर्ड बोर्ड बन के जो तैयार हो गया है ना। और दोस्तों ये जो दो तार है दोस्तों, इसमें आप प्लग लगा सकते हो, चाहे जो भी लगा सकते हो आप लगा दोगे। देखो दोस्तों इसका कनेक्शन क्या है दोस्तों, बस आपका जो दोस्तों लाइन आया, फ्यूज लगा हुआ है, ठीक है, ये इंडिकेटर लगा हुआ है ताकि लाइन आएगा तो इंडिकेट करेगा कि हाँ लाइन इसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसका स्विचिंग ये है, ठीक है, इसका स्विचिंग ये है, इसका स्विचिंग ये है, इसका स्विचिंग ये है, ठीक है। तो ये दोस्तों बोर्ड बहुत ही बेहतर है दोस्तों, और इस तरह से आप बोर्ड आप बना सकते हो। बोर्ड बनाओगे दोस्तों, ये काफ़ी चिप एंड बेस्ट अच्छा क्वालिटी का दोस्तों, ये जल्दी ख़राब नहीं होगा। इस तरह का बोर्ड आप खुद से बना सकते हो, ठीक है। ये सब सामान जो है मार्केट में आराम से मिल जाएगा आपको। तो आई थिंक आपको वीडियो समझ में आया होगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, धन्यवाद।